वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल। दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरुण सर वीएल मेमोरियल स्कूल से अपना अगला लेक्चर लेके आ गया हूँ। हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे फर्स्ट लेसन का सोर्स ऑफ कोड में, आज हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल, जानवरों से भोजन, कौन कौन से भोजन प्राप्त करते हैं, जो बोर्ड पे लिखा गया है। एनिमल आर आल्सो ए प्राइम सोर्स ऑफ फूड, जानवर जो होते हैं भोजन के प्राथमिक सोर्स होते हैं। वी ऑब्टेन डिफरेंट फूड आइटम फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, हम लोग अलग अलग भोजन अलग अलग जानवरों से प्राप्त करते हैं। मिल्क, एग्स, मीट, हनी, ऑयल्स, ये सब हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। अब आता है मिल्क। मिल्क कंप्लीट फूड इन इटसेल्फ, दूध जो होता है जो अपने आप में क्या है, पूर्ण भोजन है। मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड कैल्शियम, दूध कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। विच प्रोड्यूस मिल्क्स, कार्ड्स, घी, इटीसी, दूध से मिलता है। विच एनिमल्स गिव्स मिल्क इज कॉल्ड मिल्क एनिमल्स, काउ, बुफैलो, गेट्स आर मिल्क एनिमल्स। अब आता है एग्स। एग्स में कहाँ मिलता है, वेरियस बर्ड्स गिव अस एग्स, एग्स इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, हेन, डक, टर्की इज द गिव अस एग्स, एग्स इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन्स, अंडों में हमें प्रोटीन और विटामिन्स मिलता है। तो आता है मीट। मीट इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, हम मांस अलग अलग जानवर से प्राप्त करते हैं, जैसे गोट, फिश, सीप, पिग्स। फ्रॉम मोस्ट मीट प्रोडक्शन पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया इन लॉन्ग द रिवर डिपेंड ऑन द फिश, अधिकतर लोग जो नदियों किनारे समुद्रों किनारे रहते हैं वो मछलियों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मछलियों के मांस पर डिपेंड करते हैं। टेरियरिंग ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड फिश कल्चर, मछलियों का अधिक मात्रा में उत्पादन करने को फिश कल्चर कहते हैं। अब आता है ऑयल। यू आल्सो गेट ऑयल सच एज कोल्ड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, हम लोग ऑयल मछलियों के लीवर से प्राप्त करते हैं। हनी, हनी बी प्रोवाइड द हनी, मधुमक्खियां में शहद उत्पन्न कराते हैं। द रेयरिंग हनी बीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एप्लीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन को एप्लीकल्चर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। फूड हैबिटेट, हैबिट, हैबिट ऑफ एनिमल, जानवरों के भोजन कौन कौन से हैं। वी नो दैट सम एनिमल्स ग्रास इट्स, हम लोग जानते हैं कि अधिकतर जानवर घास खाते हैं। सम एनिमल्स ईट फिश एनिमल्स डेड आफ्टर किलिंग देम, कुछ जानवर क्या होते हैं मछलियों को खाते हैं। दे डिपेंड अदर सोर्स ऑफ फूड, ये अलग अलग भोजन पर डिपेंड करते हैं। दे आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स इज थ्री कैटेगरीज, एनिमल जानवर जो होते हैं तीन पार्ट में बांटे गए होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल्स एंड ओमनिवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर प्लांट्स प्रोडक्ट, जो जानवर
केवल पौधे और पौधों से उत्पन्न चीजों खाते हैं उनको बोला जाता है ओमनिवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। वे जानवर जो केवल मांस खाते हैं उन जानवर को कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ टीथ, इनके पास स्पेशल दांत होते हैं जो नुकीले होते हैं, चौड़े होते हैं, जो आसानी से मांस को क्या करें, काट सके, चीर सके, फाड़ सके और चबा सके। अब आता है ओमनिवोरस एनिमल्स, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लेस प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स। ये जानवर जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं उनको ओमनिवोरस एनिमल्स कहते हैं। दे आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ फॉर कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग एंड ग्रीडिंग ऑफ द फूड। इन लोग के पास भी एक स्पेशल तरीके का दांत होता है जिससे वो भोजन को चबा सके, काट सके और पचा सके। इसके अलावा कुछ और ऐसे जानवर होते हैं जो क्या होते हैं, मृत जानवरों को मांस को खा के अपना पोषण करते हैं, जैसे जयकाल हुआ, क्रो हुआ, ये सब क्या होता है, मरे हुए जानवर के मांस को खाते हैं। अब हम लोग अगला लेक्चर अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए हम लोग क्लास को यहीं बंद करते हैं। थैंक यू।